Good morning, students. I am Nirlal sir from MLP International School, Rajpura. And today of 9th class in English subject, we are doing our poem. Our new poem, The Lake Ilsley of Innisfree. Fifth poem hum karne ja rahe hain beta. Ye dekhiye aap screen ke upar hamare paas. The Lake Ilsley of Innisfree. Innisfree hum ise kehte hain. Written by our famous poet William Butler Yeats. So first of all, we are going to discuss about the poet William Butler Yeats. William Butler Yeats was a very famous poet. आइए इसके बारे में हल्का सा थोड़ा सा डिस्क्राइब करने बेटे. डब्ल्यू बी यीट्स इसका शॉर्ट फॉर्म है. डब्ल्यू बी और यीट्स इसके शॉर्ट फॉर्म है. और इनका जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो बेटा 30th जून एंड 1865 को इनका जन्म हुआ था. एंड 28th जनवरी 1939 को इनकी डेथ हो गई थी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज ए इरिश पोएट. ही वाज ए इरिश पोएट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी स्पेशली इन लिटरेचर. ही वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923. देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा नीचे. इन 1923 ही वॉन द नोबल प्राइज. एंड फॉर इन फॉर वट फॉर लिटरेचर यानी साहित्य में इसको नोबल प्राइज मिला था. और इसके बारे में देखें तो ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू नेटिव सब्जेक्ट्स राइटिंग पोएम्स प्लेज शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवल्स विद हिज इरिश कैरेक्टर्स एंड सेटिंग. तो ये बेटा हो गया हमारा पोएट के बारे में. एक चीज पोएम के बारे में बता दूं बेटा आपको. द लेक आइसल ऑफ इंस्परी इट इज ए लिरिक एंड स्पेशली इट हैज 12 लाइन्स. देखिए 12 लाइन्स एंड 3 स्टेंजाज. एक स्टेंजा के अंदर हम ये देखेंगे कि 4 लाइनें यहाँ पर दी गई है. और जिस पोएम में 4 लाइनें दी गई है और लगभग 3 स्टेंजा होते हैं उनको हम लिरिक्स कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इंट्रोडक्शंस ऑफ दिस पोएम. द लेक इसली ऑफ इन्सफ्री इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल पोएम ऑफ यीट्स बेटा. सबसे बढ़िया पोएम ये हम कहेंगे कि भाई हमारे पोएट की है. द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड यानी कवि जो है रोड साइड पर खड़ा होता है. ये इसके बारे में आपको बताऊं बेटा इसका मतलब आइलैंड होता है और ये एक जगह का नाम है. इट इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा हिंदी में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा विलियम बटलर यीट्स जो है कभी बचपन में इस जगह रहा था. इसने काफ़ी समय यहाँ बिताया था और अब जब वो बड़ा हो गया है तो इसी जगह पर वो वापस जाना चाहता है. यानी वो एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है. तो उसकी बहुत तीव्र इच्छा हुई कि उस जगह पर मैं जाऊं और अपना कुछ समय बिताऊं. यानी ही वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विद नेचर. ही वाज बोर ऑफ दिस ग्लैमर लाइफ. तो नाउ वी वांट टू गोइंग टू स्टार्ट आवर दिस पोएम. दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग. लॉन्गिंग मीन्स विश फॉर द पीस एंड ट्रांसक्विलिटी ऑफ इन्सफ्री. ये सुप्रसिद्ध कविता जो है एक्सप्लोर का मीनिंग होता है एक्सपोज उजागर करती है. किसकी? कवि की इच्छाओं के बारे में कि वो किस तरह शांति और अमन चैन चाहता है और वो भी कहाँ इन्सफ्री जगह पर वो जाना चाहता है. ए प्लेस एक ऐसी जगह वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय. जहाँ उसने एक बच्चे के रूप में काफी समय बिताया था. दिस पोएम इज ए लिरिक और ये कविता एक यानी हम कहेंगे गीत के रूप में अब हमारे सामने पेश की गई है. तो लेट अस स्टार्ट. ये पोएम मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट स्टेंजा पढ़ने जा रहा हूं बेटा. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. आई हमारे पोएट के लिए लगाया गया है. डब्ल्यू बी यीट्स विलियम बटलर यीट्स हमारे पोएट है.
वो क्या कहता है, आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अभी जाऊंगा, एंड गो टू इनिसफ्री, और कहाँ जाऊंगा, मैं इनिसफ्री जाऊंगा, यानी वहां जाने की उसकी बहुत तीव्र लगन है, एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां पर एक छोटा सा मैं कक्ष बनाऊंगा, यानी एक स्मॉल सा कैबिन बनाऊंगा ऑफ क्ले, जो किसका होगा, जो मिट्टी का होगा, एंड वेटल्स मेड, वेटल्स मेड मैं बताऊं बेटा आपको, शुद्ध मात्रा में हम ये कहें, जैसे हम हट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो टाटा वगैरह जो हम लगाते हैं, तो वेटल्स का मीनिंग क्या हो गया, भाई झुंडे या मान लीजिए कोई पतली पतली टेढ़ी मेढ़ी जो झाड़ी होती है उनसे बनाना। तो उसने बताया मैं वहाँ पर एक केबिन छोटा सा बनाऊँगा जो मिट्टी का होगा और वेटल्स का होगा। नाइन बीम रोज विल आई हैव देयर, विलियम बटलर रीड्स ये कहता है कि वहाँ पर मैं ऐसा कैबिन बना के, फिर उसकी इच्छा क्या है, मैं नो कतारे, यानी बीम का मीनिंग होता है बट सेम की नो, रो मतलब पंक्तियाँ, वहाँ पर नो कतारे बीम यानी सेम की पंक्तियाँ लगाऊंगा, एंड ए हाइव फॉर हनी बी, और क्या करूँगा, मधुमक्खियों के लिए एक हाइव, हमारी बुक का नाम भी बी हाइव है, एक छत्ता बनाऊंगा ताकि वहाँ पर मधुमक्खी रहे। इसका मतलब मधुमक्खियों से विटलम बटलर यीट्स को बहुत अधिक प्यार है, स्नेह है, वो कुछ समय बिताना चाहता है, यानी उनकी पंखड़ियों की आवाज़, उनकी भिन भिनाट उसे बहुत अच्छी लगती है। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ग्लैड का मीनिंग क्या होता है बेटा, ग्लैड का मीनिंग होता है एन ओपन स्पेस इन ए वुड और फॉरेस्ट, यानी जंगल में कुछ हम पेड़ वगैरह काट कर और एक जगह खाली कर लेते हैं वहाँ। तो देखिए अंतिम पंक्ति में क्या कहता है, एंड लाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड्स, और मैं वहाँ अकेला मधुमक्खियाँ जो है उनका मैं शोर सुनूंगा। तो बेटा इसके कुछ वर्ड मीनिंग हो रहा है जो मैं आपको बता दूं, जो आपने कॉपी में करने हैं। देखिए इधर मेरे पास ये बुक है, देखिए इधर आ जाइए। सबसे पहले हमारे पास है एल्सली यानी आइलैंड, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक्सप्लोर यानी ट्रेवल फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के लिए यात्रा करना। लॉन्गिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी तीव्र इच्छा। ट्रांसफिलिटी यानी पीस। लिरिक द साउंड ऑफ ए सॉन्ग। अराइज यानी गेट अप और स्टैंड अप। केबिन यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, हट और ए स्मॉल डेवलिंग प्लेस। क्ले स्टिकी अर्थ यानी विशेष तौर पर बेटा आप इसको चिकनी मिट्टी कह सकते हैं, ये वेटल्स आ गए जो भी मैंने आपके सामने बताया था। ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फिनेंस, यानी कहने का मतलब ये होगा चार दीवारी बनाने के लिए हम जिन पतली पतली और लचकदार झाड़ियों का हम प्रयोग करते हैं वो वॉल्स बनाते हैं। बीम रोज यानी रोज ऑफ बीम्स यानी सेम की कतारें। हाइव हमारे पास आ गया है। आर्टिफिशियल शेल्टर फॉर हनी बी, मधुमक्खियों का छत्ता। बी लाउड यानी लाउड नॉइज ऑफ बीज। ग्लैड ओपन स्पेस इन ए वुड और फॉरेस्ट। ड्रॉपिंग्स यहाँ पर हो जाएगा लेट फॉल्स, यानी व्हील्स हमारे यहाँ पर क्या हो गया, वैसे घूंघट कहते बेटे इसको, एक कवर और डिस्कस। क्रिकेट ए स्मॉल यानी छोटा ब्राउन जंपिंग इंसेक्ट जिसे हम झिंगूर कहते हैं। और ग्लिमर हमारे पास हो गया सेंड आउट ए वीक। अनसर्टेन लाइट ग्लो जिसे आप चमक कहते हो, टू थ्रो द लाइट एंड हीट विदाउट ए फ्लेम। लिनेट ए स्मॉल ब्राउनिंग एंड ग्रे बर्ड्स विद ए शॉर्ट बीक, ये यूरोपियन है लिनेट जिसे हम झिंगूर कहते हैं।
लैपिंग हिटिंग शोर हमारे पास है, द बॉर्डर ऑफ सी और लेक, रोड साइड हमारे पास क्या हो गया बेटा, हाईवे, और पेमेंट क्या हो गया, पेव्ड पाथ बाय द साइड ऑफ ए रोड जिसे हम पगडंडी कहते हैं, और कोर हमारे पास हो गया है सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग। बेटा आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर नेक्स्ट स्टेंजा करेंगे। थैंक यू।